हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज विशाल श्रीवास्तव और मैं आज आपको बताने वाला हूं कि कैसे आईआईटी जेई मेंस को क्रैक करें 30 डेज की प्रिपरेशन में। तो जैसा कि आप जानते हैं, ये इंडिया का टफेस्ट एग्जाम है और इसको क्रैक करने के लिए 30 डेज के प्रोसेस में अगर आपको काम करना है तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए और इससे मैंने बहुत सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताई हुई हैं, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए। अब आपको ये जानना होगा, ये वीडियो मैंने उन बच्चों के लिए बनाया हुआ है जो पूरे साल प्रिपेयर किए और उनको लग रहा है इस फरवरी के महीने में आकर के कि अब मेरा एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो पाएगा और मैंने अपने पेरेंट्स के लाखों रुपए लगाए हुए हैं और वो उनका इन्वेस्टमेंट कहीं वेस्ट ना हो जाए, तो आपको डर है कि अपने पेरेंट्स को कैसे हम इन्फॉर्म करेंगे इस बारे में। और ये वीडियो उन बच्चों के लिए भी है जो एग्ज़ाम तो तैयारी कर रहे हैं, उनको लगता है कि मैं एडवांस में बहुत अच्छा कर सकता हूँ बट मेरा आईआईटी मेंस किसी भी तरीके से क्रैक हो जाए। तो ये मैंने एक आपके लिए स्ट्रेटजी पॉइंट बनाया है 30 डेज के प्रिपरेशन में और आप इस पैटर्न को फॉलो करें और आप श्योरली आप देखेंगे कि आप सिलेक्टेड होते नजर आ रहे हैं पूरे वीडियो के अंत तक। आईआईटी जेई मेंस के एग्जाम को सीबीएसई कंडक्ट कराता है और इस एग्जाम का जो मिनिमम क्राइटेरिया है फॉर क्लास 12th के लिए जनरल और ओबीसी बच्चों के लिए वो 75% मार्क्स है और एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए 65% की रिक्वायरमेंट होती है और वही लोग एग्जाम में बैठ सकते हैं। स्टूडेंट्स, आईआईटी जेई मेंस का जो एग्जाम होता है टोटल वो 360 मार्क्स का होता है जिसमें 30-30 क्वेश्चंस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के लिए, तो टोटल 90 क्वेश्चंस होते हैं आपके पास जिसमें +4 और -1 के स्ट्रेटजी रखी जाती है आपके क्वेश्चन को चेक करने के लिए। इसका मतलब आप कोई क्वेश्चन सही करते हैं तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे और आप कोई क्वेश्चन गलत करते हैं तो आप इसका मतलब आपको उसमें -1 मिलना है और नहीं अटेम्प्ट करते तो उसके 0 मार्क्स है। तो इसका मतलब आप गलत अटेम्प्ट ना करिए, ठीक है? तो 0 इज बेटर देन -1, तो इसका मतलब आप समझ ही रहे हैं इस बात को, तो आप इस पैटर्न को आप फॉलो करिए। अब आते हैं हम एग्जाम के कट ऑफ पे और कट ऑफ का वो क्राइटेरिया होता है जिसपे आप आईआईटी एडवांस के लिए एलिजिबल होते हैं और वहीं से आपको कॉलेजेस मिलना भी शुरू हो जाते हैं। अब ये समझ लीजिए, अगर आप कट ऑफ नहीं पार करते हैं तो इसका मतलब आपके चाहे 0 नंबर है, चाहे कट ऑफ से एक नंबर कम भी आते हैं तो आपको कॉलेज मिलना पॉसिबल है ही नहीं, यानी आपकी पूरी मेहनत बर्बाद हो गई। तो इसका मतलब आपको इस कट ऑफ के रेंज को पार करना ही होगा किसी भी कीमत पर। तो बच्चों, अगर कट ऑफ की बात करते हैं तो पिछले साल की अगर हम चेक करते हैं तो इसका मतलब 87 था, उससे पहले हमारे पास 100 का एग्जाम था जनरल कैटेगरीज में, उससे पहले 120 का था। तो जनरल का पैटर्न अगर मैं देखने की कोशिश करता हूं तो इसका मतलब 80-120 के बीच का लाई करता है जनरली हमारे पास जो एग्जाम का कट ऑफ होता है। लेकिन इस बार की स्ट्रेटजी के पॉइंट से अगर हम लोग बात करते हैं तो 100-120 के बीच में आपको एग्जाम में कट ऑफ को पाना पड़ेगा और ओबीसी के बच्चों के लिए 40-45, even 50 भी आप मान सकते हैं, उनके बीच में इतना काम रहता है। और एससी एसटी स्टूडेंट्स के लिए ये समझ लीजिए 10-15 मार्क्स के बीच में या 20 तक भी आप उसको अरेंज कर सकते हैं और पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट्स के लिए 1-10 मार्क्स के बीच में काफी एफिशिएंट है उनके सिलेक्शन के लिए। अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे, यानी सब्जेक्ट स्ट्रेटजी पे। सबसे पहला सब्जेक्ट हमारे पास केमिस्ट्री है। केमिस्ट्री की अगर बात करते हैं तो पूरे साल आपने उस पर ध्यान नहीं दिया है, कम ध्यान दिया है, लेकिन ये सब्जेक्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको ये रैंक लाने में भी और कट ऑफ को पार करने में भी आपको बहुत बड़ा हेल्प करने वाला है। मेरा सजेशन आपसे ये है कि मैं 4-5 साल से पैटर्न को जो देख रहा हूँ, आप एनसीईआरटी क्लास 12th को फॉलो करिए क्योंकि उसमें से आपको जितने भी नेमिंग रिएक्शन वगैरह है डायरेक्ट आपको मिलती है, 10 से 12 क्वेश्चन तक का आपको मिल जाएगा, इवन कभी कभी आपको 15 क्वेश्चन तक का भी आपको पूरा आपके सीबीएसई के आपको एनसीईआरटी किताब से आपको मिल जाता है। तो बच्चों, ये आप समझ लीजिए, अगर मैं बात करता हूँ 12 से 15 क्वेश्चन भी आपको डायरेक्ट अगर मिलते हैं तो इसका मतलब सबसे पहला आपने ब्रेक थ्रू कर लिया यहाँ पे 12 क्वेश्चंस का हो, 12 क्वेश्चन यानी 12 × 4, तो इसका मतलब 48 मार्क्स। तो आप समझ लीजिए एग्जाम में आप कितने करीब हो गए हो इस पहली स्ट्रेटजी को फॉलो करके। तो बच्चों, इस बात को ध्यान रखना है कि आपको सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस करना है, जो लोग क्वालिफाई करना चाहते हैं सिर्फ, और उसके सारे नेमिंग रिएक्शन और उसके डायरेक्ट फॉर्मूले जितने भी हैं सब आप तैयार कर डालिए और रटना शुरू कर दीजिए रात दिन। अब एक बात बच्चों मुझे और आपको बतानी है कि आप पेपर जब आपके पास आए तो आप ये समझ लीजिए आपका पेपर पहले क्वेश्चन से शुरू नहीं करना है। कभी भी इंट्रेंस का एग्जाम पहले क्वेश्चन से नहीं होता है,
आप वो क्वेश्चन उठाइए जो आपको आता है, चाहे वो फिजिक्स का, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे मैथ्स का, सबसे आसान क्वेश्चन। और जो टाइम का डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप 40, 60 और 80 का रेशियो रखिए। 40 केमिस्ट्री के लिए, 60 आपके लिए फिजिक्स के लिए, और 80 मिनट्स आप जो रखेंगे मैथमेटिक्स के लिए। तो अगर आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, जो टॉपर्स फॉलो करते हैं आप जनरली देखेंगे, और जो स्टूडेंट मेरे सिलेक्ट हुए हैं वो भी इस स्ट्रेटजी को फॉलो करके ही अपना काम किए हुए हैं, तो आप इस पैटर्न पे आप काम करेंगे तो आपको डेफिनेटली फायदा होने वाला है एग्जाम में। अब आते हैं स्टूडेंट्स अपने सेकंड सब्जेक्ट यानी फिजिक्स के बारे में बात कर लेते हैं। फिजिक्स आपको 11th की बिल्कुल टच नहीं करनी है, आप सिर्फ फिजिक्स क्लास 12th की ही तैयार करें, और सारे फॉर्मूले यूनिट वाइज आप रट डालें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन जो आईटी मेंस में आने हैं वो फॉर्मूले बेस्ड होने हैं और फिजिक्स क्लास 12th के ही आते हैं। तो बेसिकली आपको इस बात को बहुत ध्यान रखना है। और अगर आप देखेंगे तो इसमें मैं देख रहा हूं जितने क्वेश्चन के पैटर्न से, तो 15 से 20 क्वेश्चन तक आपको क्लास 12th के स्ट्रेटजी से मिल रहे हैं। तो मैं एक बुक आपको रिकमेंड कर रहा हूं, डीसी पांडे जी की अरिहंत की, फिजिक्स की, काफी सिंपल है, तो आपको थोड़ा हेल्प मिलेगी उसको पढ़ करके, तो आप वो पढ़ सकते हैं। दूसरी बात एक आती है 11th 12th में अगर हम बात कर रहे हैं तो ग्राफ, दोनों आप क्लास मिला करके 40 से लेकर के 50 के बीच में ग्राफ्स हैं, और डायरेक्ट आपको जो ग्राफ के क्वेश्चन मिलेंगे 2 से 3 मिलेंगे। तो इसका मतलब सिर्फ आपको देखना है, ग्राफ को रटना है, समझना है, और आप आसानी के साथ अपना काम कर सकते हैं, तो डायरेक्ट आपको मिलेंगे। तो इसका मतलब आप 15 से 20 क्वेश्चन अचीव कर रहे हैं फिजिक्स के थ्रू। तो अगर मैं मिनिमम में 15 भी मान लेता हूं तो 15 × 4 इसका मतलब आप 60 मार्क्स, तो इसका मतलब 48 + 60, तो कट ऑफ आप कहीं पार कर गए। अब अगली मेहनत जो करनी है आपको मैथ्स पे करनी है, सिर्फ आपको रैंक को ऊंचा करने के लिए, जो सबसे टफ सब्जेक्ट माना जाता है। अब आते हैं अपने तीसरे और सबसे आखिरी और सबसे डिफिकल्ट सब्जेक्ट यानी मैथमेटिक्स पे। तो मैथमेटिक्स की स्ट्रेटजी के बारे में अगर बात करता हूं, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, लॉजिक डिजाइन पे आप तैयार कर लोगे। उसमें क्या होता है, 2 से 3 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बहुत आसानी के साथ। फिर जो आपके पास आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे, और हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, और तीसरा जो टॉपिक आता है आपको इंटीग्रल। इंटीग्रल में अगर बात करता हूं मैं डिफरेंशियल और इंटीग्रेशन में, तो इंटीग्रेशन आपको टफ लग रहा होगा, तो इसका मतलब आप क्या करें, करना क्या है आपको, सिर्फ आप क्लास 12th की एनसीईआरटी उठाइए और इंटीग्रेशन के सारे क्वेश्चन आप कर डालिए विथ मिसलेनियस। जब आप कर डालेंगे तो आपको फिर हर चीज आसान लगने लगेगी। और तीसरा जो हमारे पास नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो वेक्टर 3D का है, जिसमें 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे। अगर बच्चों सिर्फ आपको यही टॉपिक्स आपको तैयार करने और कुछ नहीं करना है आपको क्रैक करने के लिए, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, तो आप इतना ही करिए, आपको यकीनन 12 से 15 क्वेश्चन मैथ्स के आपको इन्हीं टॉपिक से मिलने वाले हैं। अगर आपको सपोज करिए मैंने माना कि 12 क्वेश्चन मिलने वाले हैं, तो 12 × 4 इसका मतलब 48, तो आपको पहला कितना हुआ 48, फिर आपके पास 60 और आपने फिर 48, तो टोटल कितने 156, इसका मतलब आप कट ऑफ से बहुत ऊपर निकल चुके हैं। तो आप अगर कुछ भी आपके पास एरर होती है, गलतियां भी होने के चांसेस भी होते हैं, तो अगर आपके 8-10 मार्क्स अगर रिड्यूस भी हो जाते हैं, तब भी आप इसका मतलब आप 140 से 50 के बीच में लाई कर रहे हैं। तो इसमें आपको अच्छा कॉलेज मिलने वाला है, टॉप के NITs मिलने वाले हैं, और आपको या और भी टॉप कॉलेजेस मिलने वाले हैं आपको, तो इसका मतलब आप आसानी के साथ अपने कॉलेजेस भी ले सकते हैं जो एडवांस के में नहीं जाना चाह रहे हैं। तो ये बच्चों आपके लिए वीडियो था, और आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक करिए, अगर बहुत अच्छा लगा हो तो आप इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, और अगले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे वीडियो के बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि मैं एडवांस की जब स्ट्रेटजी बताऊंगा बहुत जल्दी मेंस के एग्जाम के बाद। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर IIT मेंस एग्जाम। तो सब लोग लग जाइए अभी से और जुट जाइए अपने एग्जाम के लिए। थैंक यू बच्चों।